infrastructure, well-equipped labs and ultra-modern teaching techniques, NIMS Institute of Pharmacy produce country's best pharmacist. सुरक्षा नियमों का करो सम्मान। न होगी दुर्घटना, न होंगे आप परेशान। NIMS College of Physiotherapy and Occupational Therapy prepares healthcare professionals primarily concerned with the remediation. This is Omega TV Media and you are watching News India 24/7. Sabse Aage. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वैश्विक मंच और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। मैं हूं उमंग माथुर। आपको बता दें कि आज फिर एक दशक का अंत हो रहा है। 2019 बीतने को है और 2020 दस्तक देने के लिए तैयार है, लेकिन ये साल कई मायनों में देश के लिए अहम रहा। वैश्विक मंच पर इस साल में विशेष पहचान बनी भारत की, विश्व गुरु बनने की छवि मजबूत होती दिखी। तो वैश्विक मंच पर क्या कुछ रहा 2019 में खास, इस पर डालते हैं एक नजर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम में शिरकत की थी। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने मोदी को एक बहुत ही खास व्यक्ति बताया था। यह कार्यक्रम वैश्विक मंच पर भारत के लिए एक नई पहचान बना। कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी शिरकत की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ सराहना ही नहीं की बल्कि उन्हें विशेष व्यक्ति भी बताया। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की छवि को भी एक नई पहचान मिली। तो वहीं पीएम का भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना भी कुछ हद तक साकार हुआ। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ मोर्चेबंदी में भारत ने अपना लोहा मनवाया तो पाकिस्तान यहां बैकफुट पर दिखाई दिया। बता दें कि हाउडी मोदी कार्यक्रम ने पूरे विश्व को एक तरह से स्तब्ध कर दिया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में अपना हाउडी मोदी कार्यक्रम किया तो उस दरमियान पूरे विश्व की नजरें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिक गई थी कि आखिर यह किस तरह का कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है। जब पता चला कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं तो हर किसी को हैरान कर देने वाला ये कार्यक्रम था। आपको बता दें कि जिस प्रकार से ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष व्यक्ति कहा, और ये वो समय था जब भारत पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक और रणनीतिक मामलों में उलझा हुआ था, और ऐसे में हाउडी मोदी कार्यक्रम का होना और अमेरिका मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना विशाल जन सैलाब के सामने लोग पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो कैबिनेट के जो उनके और जो अधिकारी थे, मंत्री थे, उन सब ने एक आवाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। अपने आप में ये साल की सबसे बड़ी घटना थी। बिल्कुल, और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए उमंग हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पुरोहित जी, हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पुरोहित जी, हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे, जहां ट्रंप ने भी उनके इस कार्यक्रम में शिरकत की, एक दूसरे की दोनों ने सराहना की और हिंदी में भी कहा था नरेंद्र ट्रंप ने, जब हिंदी में वार्तालाप किया था तो दुनिया स्तब्ध रह गई थी। ये कहीं ना कहीं प्रभाव था भारतीयों का, ये प्रभाव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और भारतीयों की ताकत के सामने कहीं ना कहीं ट्रंप को ये लग रहा था कि अगले चुनाव में
वो भारतीयों में एक बड़ा वोट बैंक देख रहे थे। बिल्कुल, और भानु जी यहाँ एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि ये सारी बातें तो थी और साथ में जैसा कि पता है कि अब अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव दोबारा होने हैं और वहीं से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। पुरोहित जी सही कह रहे हैं आप, उमंग के इस बार जो नरेंद्र मोदी जीत करके आए हैं 303 प्लस सीट जो लेके आए हैं, तो एक मजबूत नेतृत्व जब होता है किसी देश के पास में, आप किसी भी कंट्री में आप बात कर लीजिए, अगर उसका नेता मजबूत होता है, उसका नेतृत्व की क्षमता होती है, तो दुनिया भी उसकी बात को सुनती है। ऐसा नहीं है कि पहले भी भारत की बातों को सुना नहीं गया था, लेकिन 2014 के बाद की अगर देश और दुनिया में भारत की अगर प्रभुत्वता की बात करें तो निश्चित रूप से 14 के बाद में जब हिंदुस्तान की बात को विश्व रंगमंच पर जब मजबूती से सुना गया और देखा गया और समझा भी गया, और जब जब भी नरेंद्र मोदी ने एक आरोप सा लगा था कि वो जो है विदेश यात्राएं बहुत कर रहे हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, विपक्ष ने भी उनके ऊपर आरोप लगाया, लेकिन वो एक राजनीतिक दृष्टि से अलग उसको सोचा और समझा जा सकता है, लेकिन उसका जो प्रभाव अब दिखाई देने लगा है, कोई भी काम शुरू करता तो समय लेता है, तो उन 5 सालों में उन्होंने देश पूरे दुनिया में घूम घूम करके भारत की जो बात थी उसको प्रमुखता से रखा। आपने भी देखा और समझा कि जब जब भी वो विदेशी दौरे पे गए हैं, भारतीय समुदायों के साथ में बात की है और उनके सामने भारत का एक बदलता जो स्वरूप है वो रखा, तो निश्चित रूप से उनके वो जो 5 साल के जो प्रयास थे वो अब रंग दिखाने लगे हैं। अब 2019 में जब वो वापस एक पूर्ण बहुमत के साथ में 303 प्लस सीटें लेकर के जब वो वापस सत्ता में आए, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया आज जहां कहीं पे भी वो जिस रंगमंच पर खड़े होते हैं तो उनकी बात को जो है प्रमुखता से रखा जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, चाहे वो पर्यावरण का मसला हो या देश और दुनिया में आर्थिक जितने भी मंच मिले हैं उनको, उनमें उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो है बातें रखी है, दुनिया को समझाया है कि भारत जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है तो लोग भी समझ रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं कि ट्रंप के साथ में उनकी दोस्ती की, तो पिछले 5 सालों में भी वो कई बार जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जो है वार्तालाप कर चुके हैं, मिल चुके हैं, अपनी बात को अच्छी तरह से समझा चुके हैं, और 2019 के बाद भी वो 4-5 बार विभिन्न मंचों पर खड़े होकर के ट्रंप के साथ में उनकी जो मुलाकात हुई है, अब वो तो रही एक देश के दूसरे देश के प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन इसके इतर जो रिलेशंस उन्होंने बनाए हैं, जो एक व्यावसायिक जो रिश्तेदारियां होती है उसके साथ में उन्होंने जो एक कम्युनिकेशन 1-to-1 जो डायलॉग सबके साथ में किया, निश्चित रूप से उसका फायदा जो है वो भारत को मिला है, और दुनिया में कहीं पर भी किसी भी स्तर पर अगर कोई बात अगर कही और सुनी जाती है तो प्रमुखता के साथ में भारत की जो जो सुझाव है, भारत की जो बात है, भारत का जो विचार है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका की जहाँ तक की बात है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में उनकी जो 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 एक कंटिन्यूटी बनी है वो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए, खास करके अगर मैं पड़ोसी देशों की बात करूँ तो पाकिस्तान और चीन, ये दो ऐसे देश हैं जिन जो भी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के साथ में जिस तरह की बातचीत होती है वो चौकन्ने से रहते हैं और समझते भी हैं कि ये जो दो नेता एक साथ में मिल करके जिस तरह से दुनिया की जो है एक वैचारिक पृष्ठभूमि को बदलाव की दृष्टि से ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत उसमें अग्रणी है, आगे की तरफ है। और रही बात अभी जो नरेंद्र मोदी का जो है अमेरिका दौरा हुआ और जिसमें ट्रंप के साथ में उन्होंने जिस तरह की जो एक जो कम्युनिकेशन स्किल बताई, पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका में इस तरह का हाउडी मोदी जो कार्यक्रम था वह कभी नहीं हुआ इतिहास में भी, अमेरिका के इतिहास में। लिहाजा उस घटना ने जो है पूरी दुनिया को ये जता दिया और बता दिया कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है और उसकी बात को किस तरह से समझा जा रहा है, देखा जा रहा है। बिल्कुल प्रोज जी, बिल्कुल प्रोज जी, उन्होंने उस वक्त जब हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ तब पूरे अमेरिका पर विश्व की नजर थी और हर कोई ये पूछ रहा था कि ये किस तरह का कार्यक्रम है। आखिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू भाई लोगों से वहां मिल रहे हैं, देश के लोगों से वहां मिल रहे हैं, तो ट्रंप वहां क्या कर रहे हैं?
पाकिस्तान इस कार्यक्रम के बाद शायद सबसे ज्यादा सख्ते में चला गया था। सही कह रहे भानु आप। मैं बता दूं कि जब कभी भी ट्रंप की और जो है नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, सबसे ज़्यादा असर अगर देखने को मिला तो पाकिस्तान को मिला। पाकिस्तान पिछले कुछ वर्षों से जो अघोषित युद्ध की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन अघोषित रूप से जो भारत को परेशानियों में डालने वाली जो गतिविधियां रखा है, हाँ जो चला रखा है, निश्चित रूप से ट्रंप के साथ में नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री बनी है, वैचारिक रूप से कह लो, व्यक्तिगत रूप से कह लो, या राजनीतिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो कई मायने उभर करके सामने आ रहे हैं। खास करके पाकिस्तान की जब बात कर रहे हैं तो पिछले आप देख लीजिए कि 2014 से लगा करके 2019 तक, हालांकि पाकिस्तान ने कई तरह के जो है इस तरह की गतिविधियां की है जिसका कि उसको दंड भी मिला है, सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। और आपको हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जैतलक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद सर। अरविंद जैतलक जी, हम बात कर रहे हैं 2019 में वैश्विक मंच पर भारत ने किस तरह से अपनी छाप छोड़ी। 2019 कितना अहम रहा वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान के लिए, तो जिसमें जो हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था अमेरिका में, उस कार्यक्रम के बाद क्या आपको लगता है, आपकी दृष्टि से क्या कुछ अब आगे इसका फायदा होने वाला है, या कितना खास था ये भारत को वैश्विक मंच पर, भारत को विश्व गुरु बनाने को लेकर? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मोदी जी की जो जितनी वैश्विक यात्रा प्रारंभ हुई, अगर 2019 की ही हम बात करें तो सबसे पहले साउथ कोरिया से हुई, और किस तरह से उन्होंने जो वहां पे जो है मेक इन इंडिया और स्वच्छता कार्यक्रम के जरिए जो है दक्षिण कोरिया को साझेदार बनाया, और लुक ईस्ट नीति जो भारत की पॉलिसी शुरू से रही है उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मालदीव, किर्गिस्तान, जापान और संयुक्त अरब अमीरात सहित फ्रांस और भूटान की यात्रा की। उसके बाद सितंबर में अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी कार्यक्रम के जरिए उन्होंने विश्व को जता दिया कि भारत का जो है कितना दबदबा है और वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंचों पर भारत का कितना महत्व है। किस तरह से वहां के राष्ट्रपति जो है, आपने देखा कि उस जहां समारोह का आयोजन स्थल था वहां पे अब दोनों देशों के राष्ट्रपति जो है जनता का अभिवादन किए, और किस तरह से विश्व जो है पूरी अपनी नजर से देख रहा था और अपने ढंग से परिभाषित कर रहा था। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, जिस प्रकार से धारा 370 का जो खत्म करी गई है जम्मू कश्मीर के अंदर से, और सबसे बड़ी बात कि भारत के अंदर तो विपक्ष, तो खैर उनका काम है बुराई करना, या फिर एक अच्छे विपक्ष भी वही होता है जो सरकार की नीतियों पे रोक टोक लगा सके और अगर जो नीति सही नहीं है उसका विरोध करे। लेकिन यहाँ ये देखा गया कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ते में आए हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि बीजेपी जब से फुल पावर में आई है, तब से विपक्ष सिर्फ बहाने ढूंढ रहा है कि किस प्रकार से इनका विरोध करे, और देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया गया कि धारा 370 हो, तीन तलाक का बिल हो, उससे एक खास कम्युनिटी नाराज है। लेकिन जब हाउडी मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी गए तो वहां पर जो कश्मीरी जो पंडित थे, जो वहां सालों से वहां पर रह रहे हैं जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम के बाद में, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया, और हाउडी मोदी कार्यक्रम में भी बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम भी, भारतीय मुस्लिम भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी तारीफ की। तो ये चीज दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर बीजेपी ने या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा जो फैसला किया है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और इसके आगे कुछ दूरगामी परिणाम भी आएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए आर्टिकल 370 को लेकर के जो वैश्विक स्तर पर जो संदर्भ हुआ करता था उसमें जो सभी देशों का कहना था कि दोनों देश जो है मिल बैठ करके मसले को सुलझाएं, लेकिन आप देखेंगे 60-70-80 के दशक तक जो है कहीं ना कहीं जो विश्व बटा हुआ था इस मसले पर, और यहाँ तक कि अमेरिका भी वो चाहता था कि भारत जो है सीधे जो इस पर कोई कार्रवाई ना करे, लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद यानी मोदी जी के उभार के बाद जिस तरह से इस मसले पर जो है विश्व ने करवट लिया और भारत का साथ दिया, और आपने सही कहा कि और हाउडी कार्यक्रम में जिस तरह से वहां पे जो कश्मीरी पंडित थे या जो भारत की पक्षधरता वाले लोग थे, किस तरह इस आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर के मोदी जी का स्वागत किया, यह बहुत असामान्य घटना है। आपने देखा होगा कि सऊदी अरब जो है इस, जब पाकिस्तान ने अपना दुखड़ा रोना शुरू किया उसके आगे, तभी उसने सऊदी अरब ने भी झटक दिया। यानी कह सकते हैं हम लोग कि वैश्विक स्तर पर भारत जो है आर्टिकल 370 को
लेकर के पाकिस्तान के अन्य मसलों पर जिस तरह सीमा पर गोलाबारी करता है, सभी देशों ने जो है पाकिस्तान को ही दोषी ठहराया। और यहाँ पर सिर्फ सऊदी अरेबिया ही नहीं बल्कि जो पाकिस्तान का खास जो माना जाता है चीन, उस तक ने कहीं ना कहीं, हालांकि काफी टाइम तक वो उसके साथ रहा हर मुद्दे पे, लेकिन धीरे धीरे चीन ने भी पाकिस्तान से किनारा किया। जी अरविंद जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी 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 बिल्कुल अरविंद जी, अब वक्त हो चला है वैश्विक मंच पे भारत की स्थिति और मजबूत करने वाली दूसरी खबर की ओर बढ़ने का। आप हमारे साथ आप बने रहिए। भारत ने 10 साल के अथक प्रयासों के बाद साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने में सफलता हासिल की और यह संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर भारतीय नेतृत्व की अहमियत को बताता है। और भारत ने इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास के मुद्दे पर भी आगे बढ़कर पूरी दुनिया का नेतृत्व किया। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई और आतंकियों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाने की इसकी प्रतिबद्धता को वर्ष 2019 के ऐतिहासिक लम्हों के तौर पर याद किया जाएगा। बिल्कुल, मसूद अजहर को आतंकी घोषित करवाया, ये भारत की कूटनीति ही थी। जिस तरह से पाकिस्तान, तो देखिए कभी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मसूद अजहर एक आतंकी है और वैश्विक लेवल का आतंकी है, क्योंकि क्योंकि वो पाकिस्तान में जिस तरह से अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है, वो वहाँ की कहीं ना कहीं सरकार से, वहाँ की सेना से मिलजुल कर ही अंजाम देता है, तो जाहिर है वो क्यों इसको आतंकी मानेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये भारत की ही ताकत थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही एक पावर हम कह सकते हैं, उनकी रणनीति ये कह सकते हैं, उन्होंने जो रणनीति बनाई, जिस तरह से चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरा और मसूद अजहर को आतंकी घोषित करवा दिया। बिल्कुल भानु, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पर एक और बात इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने अभी पहले हमने चाइना का जिक्र किया, तो सबसे बड़ा रोड़ा चाइना अटका रहा था, लेकिन उसके भी इस तरीके की हरकत करने के बाद भी आखिरकार भारत ने वैश्विक स्तर पर, हालांकि ठीक है एक मजाक की बात खेलें या फिर चूंकि विपक्ष के द्वारा कही गई बात है कि प्रधानमंत्री तो भारत में टिकते ही नहीं है, वो पूरे दुनिया भर में घूमते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने इन खबरों के द्वारा हाउडी मोदी इवेंट हो या फिर मसूद अजहर को आतंकी घोषित करना हो या फिर सुरक्षा परिषद में भारत की स्थिति और बेहतर बनी हो और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी भारत एक प्रमुख देश के तौर पर उतरा है। और इसके अंदर भी भानु एक और ध्यान देने वाली चीज यह है कि भारत ने अपनी दो महानतम चीजों को वैश्विक स्तर पर एक अभियान बना दिया, भले ही वो स्वच्छ भारत मिशन है जो कि शुरू हुआ था एक मिशन के तौर पर, अब वो एक अभियान बन चुका है। योगा को, जो कि भारत की ही देन है, वो एक अभियान के रूप में बन चुका है और पूरी दुनिया साल में एक बार योगा दिवस मनाने लगी है। तो ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की रणनीति रही है, ये उसी का परिणाम है कि असद मजूर को भी, मसूद अजहर को भी इस तरीके से आतंकी घोषित किया गया। पुरोहित जी हमारे वरिष्ठ संवाददाता और अरविंद जय तिलक जी विदेश मामलों की जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुरोहित जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, जिस प्रकार से मसूद अजहर की बात हो रही है, लंबे समय से भारत की मांग थी कि उसको वैश्विक आतंकी घोषित किया जाए और 2019 में प्रमुख तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी केंद्रीय सरकार की कोशिशें भी रही और आखिरकार उसको वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? सही कह रहे हैं उमंग, पिछले दो दशक से अगर बात करूं मैं तो हिंदुस्तान जो है, खास करके जो अंदर की जो समस्याएं थी उनकी आतंकवाद की, खास करके जो सीमावर्ती है, कश्मीर हो, वैसे तो पूरा देश जो है पाकिस्तान के लिए एक अघोषित युद्ध क्षेत्र बना हुआ, वो किसी न किसी रूप में जो है परेशान करता है, लेकिन मसूद अजहर के नेतृत्व में वहाँ पर जिस तरह की जो गतिविधियाँ चल रही है आतंकवादी, आतंकवादियों को तैयार करने की, और पूरी दुनिया में ये एक तरह से एक कहना चाहिए एक शब्द बन गया कि आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में जो है पहचान जो बनी है पाकिस्तान की। लिहाजा 2014 के बाद की अगर मैं स्थितियों की बात करूं तो नरेंद्र मोदी का जो पहला एजेंडा रहा वो यही रहा कि भारत को आतंकवाद से किस तरह से मुक्त किया जाए। उनके सामने जो एजेंडा था, बीजेपी का एजेंडा था, नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली का रहा है, जिस तरह का उनकी जो बॉडी लैंग्वेज कहती है और लोग उनको समझते हैं, आतंकवाद के मसले पर नो टॉलरेंस पॉलिसी जो उन्होंने अपना रखी है 2014 के बाद से, तब से लगा करके ऐसा माना जा रहा है कि धीरे धीरे ही सही आतंकवाद को कंट्रोल किया जा रहा है और उन उन जगहों पर विशेष रूप
से ध्यान दिया जा रहा है, जहां पर कि वो फलते फूलते हैं या उनको जो है आश्रय मिलता है। इसीलिए जब यूएनओ में भी उन्होंने जो अपना जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने भी यही कहा था कि उन देशों में जहां जहां आतंकवाद फैल रहा है, जहां जहां आतंकवाद पनप रहा है, खास करके परोक्ष रूप से ही सही पाकिस्तान का तो उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जहां से वो आ रहा है हम वहां जाकर निशाना पाकिस्तान पर ही था। पुरोहित जी, यानी कि निशाना पड़ोसी मुल्क पर ही था जहां से पाकिस्तान पनप रहा है, जो आतंकवाद की जो जड़ है जिस पाकिस्तान में, निशाना कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर ही था। हमारे साथ अरविंद जयतिलक जी भी बने हुए हैं विदेश मामलों की जानकार। अरविंद जयतिलक जी, वैश्विक स्तर पर मसूद अजहर को आतंकवादी कहीं ना कहीं घोषित करवा दिया गया, चीन ने भी इसमें हालांकि अड़चन पैदा की, पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं था, लेकिन कितनी बड़ी उपलब्धि 2019 की इसको आप देखते हैं? उपलब्धि रही, देखिए चीन दरअसल वो इसलिए भी नहीं चाहता था कि जो उसका चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गुलाम कश्मीर में उसका चल रहा है, जिसमें 500 मेगावाट की चकोटी हटिया परियोजना थी, 969 मेगावाट की नीलम झेलम परियोजना, उसमें जो है मसूद अजहर कहीं ना कहीं जो रोड़े अटकाता था, इस डर के नाते जो है चीन जो उसका बचाव कर रहा था, चीन का अपना उसके में आर्थिक हित छिपा हुआ था। लेकिन चीन को भी जब लगने लगा कि वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान जो है पूरी तरह से आतंकवादी देश के रूप में परिभाषित हो चुका है और मसूद अजहर को बचाना मुश्किल है, ऐसी स्थिति में उसको भी पीछे हटना पड़ा और भारत की बात को मानना पड़ा। अन्यथा यह वैश्विक स्तर पर एक जो है नैरेटिव चल रहा था कि चीन भी जो है कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के पीछे है, इस स्थिति में जो है उसके ऊपर दबाव बढ़ जाता। तो ये मोदी की बहुत बड़ी जीत रही और जो है मसूद अजहर जैसे जो भारत के खिलाफ जो आग उगलने वाले लोग हैं, संगठन खड़ा करने वाले हैं, उनको भी बहुत करारा झटका मिला। तो कहीं ना कहीं जो है मोदी जो है आतंकवाद के खिलाफ इन्होंने जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई उसका बहुत व्यापक स्तर पर जो है वैश्विक स्तर पर समर्थन मिला, इसलिए जो है भारत की आज स्थिति मजबूत है और आने वाले वर्षों में भी जो है आप देखेंगे कि आतंकवाद के मसले पर जो है भारत जो है नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल अरविंद जयतिलक जी, वास्तव में जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ भारत मुखर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से जाकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके सबसे बड़े मुखालफत करने वाले, इसकी पैरोकारी करने वाले होंगे कि आतंकवाद को किस तरह से नेस्त नाबूद किया जाए। आगे बढ़ते हैं, 2019 में वैश्विक मंच पर जो अगली छाप छोड़ी हिंदुस्तान ने वो है जैसे मोहम्मद द्वारा 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमले ने सभी को आक्रोशित कर दिया था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इसकी कड़ी निंदा की थी। पहली बार संयुक्त राष्ट्र की शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों ने एक बयान जारी किया, उस बयान में पुलवामा में घृणित और कायराना आत्मघाती हमले की सख्त लहजे में निंदा की गई थी। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। बिल्कुल भानु, ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी और इस घटना के बाद से जो भारत में हम किसी पार्टी पे या पहले के किसी नेतृत्व पे हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हर भारतीय में और भारत की सेना में सबसे ज्यादा काफी लंबे समय से ये गुस्सा था कि पाकिस्तान छुपकर हमले करता है, सीमा पर लगातार परेशान करता है, गोलीबारी है, कई हमारे कई गांव ग्रामीण लोग इसमें मारे गए, कई सैनिक हमारे इसमें शहीद हुए। तो देश की जनता में भी और सैनिकों में भी और इसका जो बीज पड़ा था इस गुस्से का, वो कहीं ना कहीं संसद में जो हमला किया गया था, शायद उस दिन के बाद से देश की हर जनता में, हर बच्चे में ये गुस्सा था कि क्यों नहीं हम इनके ऊपर कोई कार्रवाई करते, कोई बड़ी कार्रवाई करते। क्योंकि जब हमने देखा था भानु कि अमेरिका के ऊपर भी 9/11 का जो आत्मघाती हमला हुआ था हवाई जहाज द्वारा, अमेरिका के सुप्रसिद्ध ट्विन टावर गिरा दिए गए थे, तब अमेरिका ने किसी से नहीं पूछा था और उसने तुरंत कार्रवाई भी की थी। तो उसी तरह की कार्रवाई की उम्मीद भारत से की जा रही थी संसद पर हमले के दौरान, लेकिन वो कार्रवाई हुई है पुलवामा अटैक के बाद और उस कार्रवाई के बाद में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ये पता पड़ गया कि अब हमारा भारत पहले का भारत नहीं रहा, हम अहिंसक थे, रहेंगे, लेकिन जहां पर हमें सबक सिखाने की जरूरत पड़ेगी तो हम सबक भी सिखाएंगे और अंदर घुसकर सबक सिखाएंगे। अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज का जो भारत है, जो हर सीमा पर हुए हमले का जवाब बखूबी देता है और अंदर तक खदेड़ कर आता है, कैसे देखते हैं आज के भारत को? देखिए, आज का जो भारत है इसके पीछे कहीं ना कहीं जो मोदी जी की जो आतंकवाद के खिलाफ और वैश्विक स्तर पर जो एक समर्थन,
उसका एक बहुत बड़ा परिणाम के तौर पर देखा जाना चाहिए। पहले भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो है न जाने कितनी गतिविधियों को चलाता था, लेकिन भारत जो है बहुत सख्ती से पेश नहीं आता था। कहीं ना कहीं भारत के मन में एक डर भय होता था कि कहीं पाकिस्तान जो है परमाणु हमला न कर दे, ऐसा जैसा पाकिस्तान द्वारा कहा भी जाता था कि हम हमला कर देंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब अमेरिका में 1965 में जॉनसन वहां के राष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे, सॉरी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आमंत्रित किया। उसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है अयूब खान को भी आमंत्रित कर दिया गया। वैसी स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री के आमंत्रण को पाकिस्तान के दबाव में समाप्त कर दिया गया। यानी भारत की स्थिति जो थी वो पाकिस्तान से भी गई गुजरी थी। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कि भारत कितना मजबूत हुआ। इसमें मोदी जी की जो एक लामबंदी है वैश्विक स्तर पर, और कहीं ना कहीं भारत का एक दृढ़ संकल्प है, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो या आपके पड़ोसी देशों के स्तर पर हो, जिस ढंग से मजबूती मिली है और समर्थन मिला है। और पाकिस्तान जो है एक तो उसका जो एक अंदरूनी चेहरा था जो आतंकवाद का, और बाहर से जो है वह अपने आप को यह दिखाने की कोशिश करता था कि नहीं हम तो भारत से प्रेम संबंध स्थापित करना चाहते हैं, भारत के साथ मित्रता चाहते हैं, उसका उन्होंने मोदी जी ने बहुत अच्छे ढंग से खुलासा कर दिया। अरविंद जी, इसको ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत को सिद्ध कर रहा था बिल्कुल बिल्कुल। पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए, भानु आप पुरोहित जी से। बिल्कुल पुरोहित जी, इसको आप किस नजरिए से इसको व्याख्यान करेंगे कि जिस तरह से भारत जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद बदला तो लिया गया, लेकिन वाकई ये घृणित घटना थी, वाकई ये देश को झकझोर देने वाली, रुला देने वाली घटना थी, लेकिन देश का गुस्सा भी उबल कर बाहर आ गया था इस घटना के बाद। पुलवामा की जो घटना हुई थी उसके बाद का अगर आप दृश्य आपकी पूरी देश और दुनिया ने देखा है, जब प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है उन जो है बहादुर सिपाहियों के बॉडी के सामने से गुजर रहे थे और उनको जो है एक अपना जो श्रद्धांजलि दे रहे थे, उस समय का जो उनका चेहरा मोहरा और जो बॉडी लैंग्वेज कह रही थी वो दिख रही थी, उससे साफ पता चलता है कि भारत के जो नेता है जो पूरी देश और दुनिया में अपनी एक जो छवि बना रहे हैं उसका, उस समय का जो अगर कोई चेहरा उनको देख ले तो पता लगेगा कि उनके दिल और दिमाग में कितना गुस्सा रहा होगा जब वो 40 जो है शवों के सामने से गुजर रहे थे, तब की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद जो एक्शन हुआ वो पूरी देश और दुनिया ने भी देखा कि कहाँ जाकर के चोट करनी है। हालांकि भारत एक पॉलिसी के तहत ही कार्यवाही करता है कि वह रिहायशी इलाकों को, नागरिकों को नहीं छेड़ता, जहाँ आतंकवादी गढ़ था वहीं जाकर के उन्होंने जो है वो अटैक किया। और वो इतने आतंकवादी, अब संख्याओं के ऊपर भी सवाल उठे थे और भी हुआ रहा कि ये हुआ कि नहीं हुआ, लोगों ने सबूत भी मांगे, लेकिन दुनिया ने ये मान लिया था कि भारत अब वो वाला भारत नहीं रहा जो पिछले 3-4 दशकों से जिसकी एक कल्पना कर रहे थे कि आएंगे आतंकवादी गतिविधियां होगी लेकिन रिएक्ट नहीं करेंगे। जो प्रो रिएक्ट जो पॉलिसी थी वो कभी की छोड़ दिया भारत ने। और अब संसद में ही नहीं, संसद के बाहर भी लोगों को यह पता लग गया है कि जो भी छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। यह पॉलिसी जो पिछले 2014 से जो लगातार आई है, 2019 में भी उस घटना को देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया कि आतंकवाद के ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो अपना रखी है उसी का ये असर है कि कश्मीर में धारा 370 आने के बाद, जबकि यह कहा जा रहा था कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उनकी बातों को नजरअंदाज लोगों ने किया है, वहां की जनता ने किया है, और पूरी दुनिया के लोगों ने नहीं, हिंदुस्तान के खास करके लोगों ने अपने नेता के ऊपर भरोसा करके यह रखा है कि अगर नेतृत्व अगर मजबूत होता है तो कोई भी दुनिया की ताकत भारत की तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगा। यह जो पॉलिसी अपना कर रखी है उसी का ही परिणाम, और कोई ये एक दिन की पॉलिसी नहीं बनी है, ये पिछले 5 साल के नरेंद्र मोदी के जो प्रयासों का नतीजा है कि दुनिया का कोई भी देश, अगर बालाकोट में भी जो स्ट्राइक की गई दुनिया के सभी देशों ने उसकी तारीफ ही की है, किसी ने भी उंगली उठा करके, आंख उठा करके या अपनी जवान से भी इस तरह की कोई बात नहीं की। इसका मतलब ही यही है कि हिंदुस्तान बदल रहा है, वह एक अलग अंदाज में दुनिया के सामने पेश हो रहा है, और आतंकवाद ही नहीं अन्य जो समस्याएं हैं दुनिया भर की उनको
जो है सुलझाने में एक वैचारिक रूप से मजबूती के साथ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जिस प्रकार से भारत का जो नेतृत्व रहा है पिछले 5 सालों में और अब 2019 में जो कुशल नेतृत्व रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं और भले ही परिणाम, हालांकि फैसले यही सोच के लिए जाते हैं कि परिणाम अच्छा ही होगा, लेकिन ठीक है परिणाम हम बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले जो फैसले लेने हैं मजबूती के साथ लेने हैं, वो फैसले अब लिए जा रहे हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज के भारत में और पहले के भारत में काफी अंतर है। चलिए अब, और एयर स्ट्राइक ने ये साबित कर दिया था कि भारत की तरफ अब अपनी नजर अगर आप उठा के नहीं देखोगे तो उसका परिणाम इससे भी अब भयानक होने वाला है, इससे भी भयानक होगा जी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं मानू, जहां पर मसूद अजहर पर पाबंदी की बात की जो हम बात कर रहे थे 2019 में, भारत की भी एक ये एक बड़ी उपलब्धि थी कि भारत ने वैश्विक मंच पर जाकर, हमने पहले भी बात करी है मसूद अजहर के ऊपर पाबंदी लगा दी, उसके खाते वगैरह सील कर दिए थे पाकिस्तान में ही, उसको नजरबंद कर दिया गया अपने ही देश में। तो मसूद अजहर पर पाबंदी लगाना भी भारत की एक बड़ी कामयाबी थी वैश्विक मंच पर, ये बड़ी कूटनीतिक जीत रही भारत की, भारत को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी थी जब सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति ने 1 मई को अजहर पर पाबंदी लगा दी थी। परिषद के स्थायी सदस्य चीन ने शुरुआत में तकनीकी आधार पर अड़ंगा लगाते हुए वीटो का प्रयोग किया, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के प्रस्ताव के बाद चीन पीछे हट गया था। यानी कि देखिए दोहरी ये खबर तो चल गई ना, जी बिल्कुल भानु आपने सही कहा, मसूद अजहर की जो बात करी गई थी कि चीन अक्सर इसमें रोड़े अटकाता था, लेकिन भारत की जो कूटनीतिक जो जीत, इसको हम बहुत बड़ा मान सकते हैं, क्योंकि यूएन तक जाकर और सभी देशों को अपने पक्ष में कर उस पर पाबंदी लगाई गई, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि वो उसे अपने ही देश में नजरबंद कर ले। और उससे पहले मसूद अजहर खुलेआम पाकिस्तान में रैलियां करते थे, भाषण देता था, भारत को बदनाम करता था, हमले की धमकी देता था, और सो कॉल्ड जिहाद की बातें करता था कि आप जाओ भारत में, आतंकवादियों को प्रोत्साहित करता था, और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना और आईएसआई सो कॉल्ड जो वहां का संगठन है उसकी भी यहां पर बात है, उसकी तरफ से उसे सपोर्ट प्राप्त था मसूद अजहर को, लेकिन उस पर प्रतिबंध के बाद में इसे वाकई में भारत की एक बड़ी जीत माना जा सकता है, जीत इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें चीन को भी पीछे हटना पड़ा, बिल्कुल पीछे हटना पड़ा जी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं भानु, जहां संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये साल हमारे लिए कई सफलताओं वाला रहा, ये ऐसा साल रहा जब हमें हमारे वर्षों के प्रयासों का फल मिला, और लगभग एक दशक की कोशिशों के बाद हमने मसूद अजहर को आतंकवादियों की सूची में डलवाने में हम कामयाब रहे। और उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर बयान जारी किया, और ऐसा भी पहली बार हुआ जब हाफिज सईद को आतंकवादियों की सूची से बाहर करने की कोशिशों को भारतीय सरकार ने, भारत के नेतृत्व ने विफल कर दिया। बिल्कुल, हाफिज सईद, देखिए मसूद अजहर के बाद जब हाफिज सईद का नंबर आया तो आतंकियों की सूची से उसको बाहर करने की पाकिस्तान ने तमाम कोशिशें, काफी कोशिशें की, कहा कि वो ऐसा नहीं है, बीमार है, तमाम बातें उसको लेकर कही थी, लेकिन भारत की कूटनीतिक ये जीत हम कह सकते हैं 2019 की वैश्विक स्तर पर, कि वाकई में 2019 बड़ी सफलताओं वाला साल रहा था। रमेश पुरोहित जी, क्या कहना है आप पर? अकबरुद्दीन ने भी, जो हमारे विदेश मामलों के सलाहकार हैं, उन्होंने भी कहा है कि 2019 कई सफलताओं को दर्शाता है, कई इस साल में हमें सफलता मिली थी, मसूद अजहर के साथ साथ हाफिज सईद को आतंकी सूची से बाहर न करवा पाना ये पाकिस्तान की बड़ी हार रही और हिंदुस्तान की एक जीत रही। वैश्विक मंच पर अगर बात करें तो आतंकवाद के मसले पर लेकर के हिंदुस्तान हमेशा से एक जो है स्पष्ट नीति के साथ में रहा है, और जब भी विश्व के नेताओं के साथ में नरेंद्र मोदी की जो मीटिंगें होती हैं उसमें यह जो विषय प्रमुखता से रहा, प्रमुख एजेंडे में रहा है, और आंख में आंख डालकर बात करने की जो नीति नरेंद्र मोदी ने जो शुरू की है उसी का ये परिणाम है
कि यूएनओ तक में, यूएनओ में भी भारत की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। कोई भी विषय रहा हो, किसी भी विषय पर हो, यूएनओ में भारत की बात को जिस तरह से सुना गया उसी का ही परिणाम है कि ये महमूद अजगर हो या हाफिज सईद हो, उनको पाकिस्तान में एक जगह पर रोक दिया गया। वहां पर ये दोनों जो नेता है वो जो है धार्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक नेता के रूप में आते हैं, समाज सेवी के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया गया है और वो वहाँ की आवाम को खुश रखने या उनकी खुशहाली के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कई मदरसे चला रहे हैं, कई सामाजिक संस्थाएं चला रहे हैं जिनसे कि पाकिस्तान के लोग जो है उनकी जो है जिंदगी सुधर रही है। ऐसा जो पर्सपेक्टिव जो पूरी दुनिया में फैलाया गया कि ये लोग हमारे यहाँ पर जो है बहुत जो है सामाजिक भलाई का काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन भारत ने हर स्तर पर हर जगह पर इनको एक्सपोज किया। उसी का ही परिणाम है कि यूएनओ तक ने जो है इन दोनों के ऊपर तो प्रतिबंध लगाया ही लगाया। चाइना जो उनका आका जो पीछे से उनको बैक सपोर्ट करता था वैचारिक रूप से, वह भी उसको भी एक मजबूर होना पड़ा पीछे हटने को लिया। लिहाजा यह भारत की कूटनीति का ही परिणाम रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आज भारत की कूटनीति थी। पुरोहित जी, अरविंद जैतलक जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अरविंद जैतलक जी, हाफिज सईद को आतंकवादियों की सूची से बाहर निकालने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन भारत की कूटनीतिक ही जीत का ये से कि वो आतंकवादियों की सूची से बाहर नहीं निकल पाया। यूएनओ ने भी इसका सपोर्ट किया और चाइना को इसके लिए पीछे हटना पड़ा। कितनी बड़ी 2019 की वैश्विक स्तर पर यह जीत आप देखते हैं हिंदुस्तान की? जी अरविंद जी, शायद आवाज नहीं पहुंच रही, उन तक हमारी संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल उमंग, तो ये एक बड़ी जीत ही थी हिंदुस्तान की कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी भारत जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ मुखालफत करता रहा, वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाता रहा और यूएन ने उसकी आवाज सुनी और इसका नतीजा यही था कि जो बड़े बड़े आतंकवादी थे उन पर कार्रवाई हुई, जिसमें हाफिज सईद जो जिसको पाकिस्तान लगातार कह रहा था कि वो आतंकवादी नहीं है, उसे आतंकवाद की सूची से बाहर रखना चाहिए और ऐसा नहीं हो पाया। चीन भी इसमें आया लेकिन उसको पीछे हटना पड़ा। बिल्कुल भानू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि भारत लंबे समय से, लगभग 70 साल से इन चुनौतियों का सामना कर रहा है और भारत ही जानता है। वो कहते ना कि जिसे दर्द होता है उसे ही उस दर्द का एहसास होता है और इस आतंकवाद के इस दर्द को हटाने के लिए भारत ने पहले भी कोशिशें करी है और सबसे बड़ी बात जो बहुमत जो मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस बहुमत का भी कहीं ना कहीं हमें कहना होगा भानु कि उस बहुमत का भी यहाँ पर असर है, क्योंकि कई बार होता है जब मिलीजुली सरकार होती है तब आप ऐसे स्ट्रांग फैसले नहीं ले पाते। अब अकेली बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बहुमत इनके पास था और पूरी जनता ने इनके एजेंडे को देखकर इन्हें वोट दिया था। जाहिर सी बात है ये लगातार स्ट्रांग फैसले लेते गए। ठीक है, आलोचना हर किसी की होती है लेकिन कहीं ना कहीं जब वैश्विक स्तर की अगर हम बात की जाए तो भारत ने अपनी एक अलग जगह बनाई है और लगातार ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो वही वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक जीत का एक पहलू यह भी रहा कि एशिया प्रशांत समूह द्वारा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत को 2021-22 के लिए निर्विरोध चुनने की वकालत की गई। 2 वर्ष की अवधि यानी 2021 और 2022 के लिए सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव अगले साल जून में होगा। भारत की आसान जीत उसे शक्तिशाली देशों के बराबर लाकर खड़ा कर देगी। पुरोहित, रमेश पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं। रमेश पुरोहित, इसको लेकर आपका क्या कुछ नजरिया है, क्या कुछ वैश्विक स्तर पर इसको आप कितनी बड़ी जीत के तौर पर देखते हैं? बहुत बड़ी जीत ये इस रूप में कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली थी तब से लगा करके वो जो है यूएनओ के जो संगठनात्मक जो ढांचा है उसमें बदलाव की लगातार बात करते आए हैं। 2014 से लगा करके 19 तक उन्होंने हर मंच पर जो है यूएनओ के जो संगठन है उसमें भारत की भूमिका और भारत का उसका सदस्य बनने का जो प्रयास है लगातार किया जाता रहा है हर स्तर पर, चाहे जो 5 जो बड़े देश हैं उनके सामने भी है और दुनिया के तमाम देशों के साथ में भारत की जो भूमिका यूएनओ में होनी चाहिए और उसके संगठन में भारत का भी एक नाम शामिल होना चाहिए, इसका प्रयास लगातार पिछले 5 सालों से होता आ रहा है और
आगे भी नरेंद्र मोदी जहां जहां पे भी खड़े हो रहे हैं वो अपनी बात को कहते हुए ये कह रहे हैं कि यूएनए को जो ढांचा है संगठनात्मक वो काफी पुराना हो गया है और उसमें भारत को स्थायी सदस्यता के रूप में शामिल करने के 5 की जगह पे छठा देश भारत भी शामिल हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और ये जो 2 साल का जो अस्थाई जो सदस्य के रूप में शामिल होना निश्चित रूप से जो है भारत की जो एक कहना चाहिए कि यूएनओ में उसकी जो भूमिका रहनी चाहिए उसको मजबूती प्रदान करने का एक कदम है। और आने वाले दिनों में हो सकता है या आने वाले सालों में भारत को यूएनओ का जो एक स्थायी सदस्य के रूप में जो शामिल होना है वह भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा, लेकिन ये एक प्रयास है, कंटिन्यूइंग प्रोसेस है और उसमें इस जगह तक पहुंचना और पूरी देश और दुनिया में यूएनओ के मंच पर खड़े होकर के भारत का हर विषय पर जो है जो विचार है उसको मजबूती देने का जो काम हुआ है निश्चित रूप से यह भारत की उपलब्धि ही कही जाएगी कि इन सालों में पिछले 5 सालों में कि जिस प्रकार से हम तमाम हम बातें कर रहे हैं भले ही हाउडी मोदी इवेंट हो या फिर मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करना हो या फिर हाफिज सईद को आतंकवादियों की लिस्ट से बाहर पाकिस्तान नहीं निकलवा पाया, और दूसरा इन तमाम बातों से कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि एक कुशल नेतृत्व अगर किसी भी देश के पास होता है तो वो अपने हक की बात पुरजोर तरीके से रख सकते हैं। शशि जी यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शशि जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। बहुत शुक्रिया। ये शशि जी हम बात कर रहे हैं 2019 में वैश्विक स्तर पर भारत ने लगभग लगभग हर फील्ड में अपनी एक पुख्ता पहचान रखी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को हर देश ने एकाध को छोड़ के, और वो एकाध कौन है वो सबको पता है, उनको छोड़कर हर देश ने भारत को भारत के नेतृत्व को हाथों हाथ लिया है, भारत के हर फैसले का बखूबी समर्थन किया है। क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें दो राय नहीं है कि ना सिर्फ इस साल 2019 में बल्कि 2014 के बाद से ही जी भारत की विदेश नीति एक नए लेवल पे एक नए मुकाम पे जाती हुई दिखी है जी। और उसकी सबसे बड़ी ताकत सबसे बड़ा कारण उसका यह है कि हमने अपनी स्ट्रेंथ को समझा है और उसकी मार्केटिंग की है। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ जितने वोटर है उतनी जितना बाकी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है उनकी मिला के उतनी जनसंख्या नहीं है जितने हमारे यहाँ वोटर है जी। और हम दुनिया की एक उभरती हुई इकोनॉमी है, लेकिन अगर चुनौतियों की बात करें जो इस साल भी नहीं और आगे भी कंटिन्यू करेंगी, हमें हर फोरम पे चीन से लड़ना पड़ रहा है। पाकिस्तान तो चीन का मुखौटा मात्र है जी। चीन कभी नहीं चाहेगा कि हमें यूएन की परमानेंट मेंबरशिप मिले या हमारे जो और भी इंटरेस्ट हैं हम उभर के इंटरनेशनल लेवल पे निखर के आए, लेकिन सरकार ने इसकी भरपाई तो की पिछले 5 सालों में, लेकिन जो पिछले 70 साल की गलतियां हैं वो उनका खमियाजा अभी भी हम भोग रहे हैं। हम बहुत ज्यादा डिफेंसिव रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे और हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कई बार हमारे ही आड़े आती है, हमारे ही लोग हमारे देश का नाम खराब करते हैं, चाहे इंटॉलरेंस का मुद्दा हो चाहे और किसी मुद्दे पे। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमको यूनाइटेडली अपने को रखना पड़ेगा और हम खासकर हमारे विपक्ष को समझना पड़ेगा कि लेकिन शशि जी माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूँ, एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ और बहुत कॉमन सेंस की ये बात है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी देश की यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर बसे हुए जो भारतीय हैं हम ये कह सकते हैं और ऐसा होता भी होगा कि वो किसी पार्टी से तो ताल्लुक रखते नहीं होंगे कि वो सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो सालों से वहां पर बसे हुए हैं, तो वहां विदेश में बसा हर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथों हाथ लेता है, उनका बहुत ही गर्म जोशी के साथ स्वागत करता है और उनके लिए फैसलों की वजह से उनको प्रेज करता है। हाउडी मोदी कार्यक्रम में भी हमने देखा था किस प्रकार से जो अमेरिका में जो कश्मीरी पंडित थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ चूमा था और उन्होंने कहा था कि आपने हमें हमारा 70 साल पुराना हक दिला दिया। खैर ठीक है, ये अलग अलग फैसले होते हैं लेकिन हर फैसले का विदेश में बसे भारतीयों ने स्वागत किया है, एक अपना एक धन्यवाद ज्ञापित किया है प्रधानमंत्री मोदी को। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारत की बाहर भी रह रही है एनआरआईज के रूप में, तो जब उन लोगों को यह बात समझ में आ सकती है और बहुत आसानी से आती है तो क्या कारण है कि हमारे यहां पर कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है? उसका एक सीधा सा कारण है जी, जो हमारे विदेश में बसे हुए भारतीय भाई बंधु हैं
वो अपने को देश से जोड़ते हैं, देश के इंटरेस्ट से जोड़ते हैं, देश के मान से जोड़ते हैं, देश के मान से उनके सम्मान का सीधा लेना देना है। लेकिन जो हमारी घरेलू लोग हैं, जिनकी जो घरेलू राजनीति में जिनके अपने इंटरेस्ट है, वो देश के इंटरेस्ट पे अपने इंटरेस्ट को कई बार ऊपर रखते हैं, जिसके वजह से ये समस्या आती है। आप अमेरिका की बात करेंगे तो शायद एक बात होगी कि चलो वहां जो तथाकथित माना जाता है कि भारत में एक माइनस मुस्लिम लोग बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, लेकिन जो अरब वर्ल्ड में अपने लोग हैं, इंडियंस हैं, उनमें मुसलमानों की एक अच्छी खासी संख्या है जो भारतीय है, लेकिन वो भी मोदी को इतना ही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब जब भी वो क्राइसिस में आए, भारत सरकार ने प्रोएक्टिव होके उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, उनकी जान माल की रक्षा की। आपको याद होगा कि जनरल वीके सिंह के नेतृत्व में एक बढ़िया बचाव अभियान चला था, जिसने सिर्फ हमने अपने लोगों को नहीं निकाला था बल्कि दुनिया के दूसरे कई देशों के लोगों को निकाला था। कहा जाता है कि आज इंडियन एम्बेसी जो भी फॉरेन में है, वो इंडिया के सिटीजन के इंटरेस्ट को इतने प्रोएक्टिवली प्रोटेक्ट कर रही है जैसा कभी नहीं हुआ। तो उनका विजन क्लियर है, वो भारत को, मोदी को भारत का रिप्रेजेंटेटिव मान के देखते हैं, लेकिन जो हमारे घरेलू लोग हैं वो मोदी को भाजपा का रिप्रेजेंटेटिव तक मान के देखते हैं, इसीलिए समस्या आती है। बिल्कुल बिल्कुल ससुराल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में भी भारत ने कई छलांग लगाई। 2019 में भारत का चंद्रयान 2 पूर्व विश्व में सुर्खियों में रहा। हालांकि चंद्रमा की सतह पर उतरने के समय अचानक लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। प्रधानमंत्री मोदी भी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए इसरो मुख्यालय बेंगलुरु पहुंचे थे, लेकिन विक्रम लैंडर से भले निराशा मिली हो, लेकिन ये मिशन नाकाम नहीं रहा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद की कक्षा में अपना काम कर रहा है। इस ऑर्बिटर में कई साइंटिफिक उपकरण हैं और अच्छे से वे काम कर रहे हैं। बिल्कुल भानु, और यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं कि चंद्रयान 2 का जो विक्रम लैंडर था, जिसका संपर्क अपने ऑर्बिटर से टूट गया था, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसियों से टूट गया था, इसरो से टूट गया था, लेकिन भारत के इस कदम की सबसे पहली बात तो विश्व के हर अंतरिक्ष देश ने तारीफ करी, क्योंकि चंद्रयान 2 चंद्रमा के उस हिस्से में उतरा था जहां तक आज भी दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका है, भले ही वो कितना भी उन्नत हो। और हम मानते भी हैं कि यूएस, चाइना, रशिया हमसे तकनीक के मामले में काफी उन्नत है, लेकिन वो भी चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में नहीं पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रयान 2 वहां पर पहुंचा, और नासा के साइंटिस्ट ने भी, नासा के अधिकारियों ने भी ये कहा कि भारत के इस कदम से, ठीक है एक मिशन फेल हुआ, वो रास्ता भूल गया, उससे संपर्क टूट गया, लेकिन नासा तक ने भारत की, इसरो की तारीफ करी है कि आपके इस कदम से हमारे लिए कई रास्ते खुल गए हैं और आप अब हमारे लिए एक गाइड की भूमिका में अब आप आ चुके हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित और शशि राय जी। शशि राय जी, सबसे पहले आपसे इस पर आपकी जो नजरिया है वो जानना चाहेंगे। भले ही ये मिशन थोड़ा सा चूक गया था अपने कामयाबी से, लेकिन पूरे विश्व में इस मिशन ने खलबली मचा दी थी। हर देश को यह बता दिया था कि हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है, हर जगह अपनी छाप छोड़ सकता है, और विक्रम लैंडर थोड़ा सा जरूर चूक गया था, लेकिन अभी भी चंद्रयान टू जो है वो अभी भी काम कर रहा है, और चंद्रमा की रिपोर्ट, चंद्रमा की खबर हम तक भेज रहा है। बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान की। देखिए, किसी चीज को सकारात्मक तौर पे देखने का अगर नजरिया है आपका जी, तो आप कह सकते हैं कि या तो किसी चीज में आप सफल होते हैं या अनुभव हासिल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप विफल कभी नहीं होते जी। एक शायर ने कहा है कि ये मत सोचिए कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा जी। तो हमें हम एक अंधी यात्रा पे गए थे जहां के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी, हमने एक बड़ा रिस्क उठाया था, हम उस जगह पर उतर सकते थे जहां दूसरे लोग उतरे थे, वो हमारे लिए सिर्फ एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक बात होती, लेकिन हमने एक चैलेंज लिया, हम उस जगह के लिए ट्राई, हमने प्रयास किया जहां के बारे में हमको उतनी जानकारी नहीं थी, कोई सफलता का पिछला इतिहास नहीं था, फिर भी अगर अभियान 5% आंशिक रूप से विफल रहा, 95% उसको सफल माना जाएगा साइंस की भाषा में तो। और इसरो की जो यात्रा रही है 1969 में उसकी स्थापना के बाद से, अगर हमारे दूसरे संस्थान ने भी उसी तरह से परफॉर्म किया होता जैसा इसरो ने किया जी, तो हम कब का विकसित देश बन गए होते। इसरो को अब कुछ बहुत कुछ साबित करना बाकी नहीं है,
सफलता विफलता लगी रहेगी, आती जाती रहेगी, ना इसरो रुकने वाला है, थकने वाला है, ना तो उसकी सफलता की गाथा कहीं विराम लेने वाला। बिल्कुल शशि राय जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और रुकना भी नहीं चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं इसरो ने हासिल करी है 2019 के शुरुआती दौर में ही, और लगातार वो कर रहा है। शशि राय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता पुरोहित जी, जिस प्रकार से चंद्रयान 2 की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है उसका संपर्क टूट गया, लेकिन बाद में नासा के सैटेलाइट के द्वारा उसके टुकड़े पाए भी गए हैं वहां पर, हालांकि अब वो डिस्चार्ज हो चुका है, लेकिन ऑर्बिटर बराबर चंद्रमा की चक्कर लगा रहा है, और आने वाले कई मिशन के दरवाजे इसरो के लिए भी, नासा के लिए भी चंद्रयान 2 वाले मिशन ने खोल दिए। क्या कहेंगे आप? सही कह रहे हो, गति में प्रगति होती है, और प्रगति जो है संभावना के और द्वार खोलती है, रुकती नहीं है, एक जगह पर आकर के कोई ठहरता नहीं है, ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। इसरो की स्थापना से लगाकर कर 2019 तक का जो भारतीय अंतरिक्ष मिशन कह लो, भारतीय जो वैज्ञानिक उपलब्धियां कह लो, वह दुनिया के लिए एक नज़ीर पेश करने वाली है। और जहाँ तक ये चंद्रयान की बात है, ठीक है विक्रम लैंडर उस जगह पर नहीं पहुँचा है, उस जगह उतरना चाहिए था वो नहीं पहुंचा, लेकिन जहां तक वो पहुंचा है और जिस स्तर तक पहुंचा था वहां तक की उसने जो यात्रा की है, मेरे ख्याल से यह भारत की उस वैज्ञानिक सोच और क्षमता को दर्शाता है कि हम उस लेवल तक काम करने वाला है। वेदों और उपनिषदों में भी जो अनंत यात्रा का जो ब्रह्मांड की जो कल्पना की गई है, उसी के द्वार तो हमने हजारों साल पहले खोल दिए थे, जब वेदों और उपनिषदों में सांकेतिक भाषा में कई चीजें कही गई थी, और वैज्ञानिक उन्हीं सांकेतिक चीजों को लेकर के प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और यह जो चंद्रयान जो पहुंचा है वह भी उसी का ही नतीजा कहला जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि कई बार जो आरोपी जो आरोप लगाने वाले होते हैं वो कह भी सकता है कि ये फेल हो गया, वो पहले फेल का उस जगह तक पहुंचा जिस जगह तक पहुंचना था उसको, और उसके बाद में भी दुनिया के जो वैज्ञानिक है वो इस बात को मान रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं कि भारत ने जो जो ऑर्बिटर जो चक्कर लगा रहा है चंद्रमा से और चारों ओर, और वहां से जो तस्वीरें भेज रहा उनके लिए काम आने वाली चीजें हैं। इसका मतलब यह है कि हम तो लीड करने वाले आदमी हैं, लीड किया हमने, वहां तक पहुंचे हम लोग, और उसी के जो प्रभाव और जो परिणाम है उसके आधार पर आने वाले वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की खोज की दिशा में काम कर रहे हैं उनके लिए कई द्वार खोल देता है। लिहाजा हमारा जो अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है वह दुनिया के लिए एक नजीर है, एक जो कहना चाहिए लीड करने वाला है, जो हम जी, दुनिया के लिए नजीर बन गया है, दुनिया के लिए एक रास्ता बनाया है इस कार्यक्रम ने, और उस पथ पर अब दुनिया चलेगी, अन्य जो एजेंसियां हैं वो उस पर वो उनके लिए सहायक होंगे। तो बिल्कुल 2019 में वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई और बता दिया कि हिंदुस्तान अब कहीं पीछे नहीं है। वैश्विक मंच ने ये माना है कि हिंदुस्तान की जो रणनीति है, हिंदुस्तान की जो कूटनीति है और हिंदुस्तान की जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल जायज है, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो, चाहे पर्यावरण को लेकर जो भी चिंताएं हैं, जो भी वैश्विक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में आवाज उठाई थी उसको सभी ने स्वीकार किया, सभी ने सुना उसको। बिल्कुल, और भानु सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि अब धीरे धीरे हिंदुस्तान अब एक लीडर की भूमिका में आगे बढ़ रहा है, भले वो आप योगा को, मैंने पहले भी बताया था, योगा को लेकर बात हो, स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, अंतरिक्ष में भी अब भारत एक लीडर की भूमिका में आगे बढ़ रहा है, चंद्रयान 2 मिशन इसका एक संपूर्ण उदाहरण है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी भारत पुरजोर तरीके से अपनी आवाज रख रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है। तो 2019 तो जा रहा है, लेकिन जाते जाते वैश्विक मंच पर भारत को एक अलग पहचान मिली है 2019 में। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, आप रखिए अपना ख्याल और नए साल का करिए स्वागत दिल खोलकर। नमस्कार।
सुरक्षा नियमों का करो सम्मान। न होगी दुर्घटना, न होंगे आप परेशान। NIMS College of Physiotherapy and Occupational Therapy prepares healthcare professionals primarily concerned with the remediation of impairments and disabilities and the promotion of mobility, functional ability, quality of life and movement potential through examination, evaluation, diagnosis and physical intervention carried out by physiotherapists and occupational therapists. So the major advantage of this college is hospital. Hospital helps us to get the best practical knowledge which we can never get through the theory classes. NIMS College of Physiotherapy and Occupational Therapy is attached to NIMS Medical College Hospital, a 900-bedded multidisciplinary super-specialty tertiary-level hospital with well-equipped and highly specialized departments, round-the-clock emergency, fully-fledged ICUs, modern OT complexes. Place where students are given hands-on clinical trainings along with theoretical training. The college offers undergraduate, postgraduate and PhD programs in both physiotherapy and occupational therapy. Fully updated physiotherapy and occupational therapy department. Internationally qualified staff members. Latest electrical modalities such as SWD, MWD, IFT, TENS, US, muscle stimulator, CPM, PWB, ICT and LCT, laser therapy, IRR and UVR, latest exercise therapy tools and latest advanced therapeutic programs and techniques. Library with latest books and journals. Hostel and transport facility. Playgrounds for sports activities. Professional skills enhancement programs. Students' healthcare immunization programs. Audio video aids. Campus placements. Both departments are equipped with following facilities: exercise therapy lab, electrotherapy lab, musculoskeletal rehabilitation, neurological physiotherapy, pediatric and geriatric rehabilitation, sports rehabilitation, obstetrics and gynecology rehabilitation. NIMS College of Physiotherapy aims to deliver high-quality rehabilitative care to the patients via a team of highly qualified physiotherapists. हरिद्वार की पावन गंगा, केदारनाथ में बजते शंख, पर्वतों से बहते झरने, राजनीति की दाव पेच, आमजन का जीवन, उत्तराखंड के उठते हुए सवाल। देखिए अपना उत्तराखंड में सिर्फ न्यूज इंडिया पर। सुरक्षा नियमों का करो सम्मान। न होगी दुर्घटना, न होंगे आप परेशान। पंद्रह अगस्त 1947 का सूरज जो भारत को बना गया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। 72 साल का सफर बढ़ता गया समाज के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते कदम, विज्ञान और तकनीकी के साथ, जमीन से अंतरिक्ष तक बढ़ता भारत,
विदेशों में नई पहचान के साथ पुनः विश्वगुरु बनने की राह पर भारत। बढ़ते भारत के हर कदम में आपके साथ सबसे आगे न्यूज इंडिया 24x7। NIMS College of Paramedical Technology is primarily concerned with patients' treatment by performing laboratory procedures in blood banking, hematology, clinical biochemistry, microbiology, clinical pathology, radiological imaging tests, and eye testing and eye care, etc. This profession gives rewarding and challenging career options and offers many jobs opportunities. NIMS College of Paramedical Technology is an ideal place to pursue high-quality education and training in this field. It offers undergraduate, postgraduate, PhD as well as diploma courses in various paramedical branches, viz., medical lab technology, radiology, ophthalmology, operation theater technology, blood transfusion, dialysis technology. NIMS Hospital also extends a supporting hand in the study and training of the courses here. This is Omega TV Media and you are watching News India 24x7. Sabse Aage. पीएम मोदी ने शुरू किया इंडिया सपोर्ट सीएए कैंपेन, कहा सीएए शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है न कि नागरिकता से दूर करने के लिए। देश के पहले सीडीएस बने जनरल विपिन रावत, तीनों सेनाओं की संभालेंगे कमान, 1 जनवरी से संभालेंगे सीडीएस का कार्यभार। देश को मिला नया आर्मी चीफ, मनोज नरवणे बने नए सेना प्रमुख, विपिन रावत की मौजूदगी में संभाला कार्यभार। आम आदमी पार्टी के नेता गुग्गन सिंह बीजेपी में हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मनोज तिवारी की मौजूदगी में बीजेपी के लिए सदस्यता, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से थे आपके उम्मीदवार। लद्दाख से पटना तक ठंड से जम गया उत्तर भारत, राजधानी दिल्ली में सर्दी के साथ कोहरे की दोहरी मार, जम्मू कश्मीर में डल झील के जमे कई हिस्से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुख करेंगे अहम खबरों का। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत आज से रिटायर हुए हैं और आज ही वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार उन्होंने संभाला। सीडीएस का काम सेना, नौसेना और वायुसेना के कामकाज में बेहतर तालमेल लाना और देश की अन्य सैन्य ताकत को और मजबूत करना होगा। बिपिन रावत के सेनाध्यक्ष पद से रिटायर होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने देश के नए सेना प्रमुख बने। रिटायरमेंट से पहले आर्मी चीफ वॉर मेमोरियल पहुंचे जहां शहीदों को नमन किया। इसके बाद आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तो वहीं इस दौरान बिपिन रावत ने कहा कि अब जो नए प्रमुख आएंगे वे अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस बनूंगा, अभी तक मैं आर्मी चीफ के तौर पर ही काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में सेना का आधुनिकीकरण करना उनका एक बड़ा कदम था। सेना के प्रत्येक जवान और अहदेदारों को बधाई देना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 3 सालों में जिस तरह से सभी ने मिलकर जो सहयोग दिया, उन्हीं के सहयोग के कारण मैं सफलतापूर्वक कार्यकाल।
उत्तराखंड के रहने वाले भारतीय सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए हैं, जिसे लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी विपिन रावत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनरल रावत को CDS का दायित्व तो सौंपा जाना उत्तराखंड का भी सम्मान है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी सैन्य परंपरा पर गर्व है और जनरल रावत के CDS बनने से उनकी ये गौरवमय परंपरा भी सम्मानित हुई है। वहीं सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत आज रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह अब जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े ने सेना का प्रमुख का पद संभाल लिया है। आपको बता दें कि विपिन रावत की मौजूदगी में ही उन्होंने पदभार को ग्रहण किया। लेफ्टिनेंट जनरल नरवड़े अभी तक सेना के उप प्रमुख का पद संभाल रहे थे। जनरल मनोज नरवड़े देश के 28वें सेना प्रमुख हैं। मनोज मुकुंद नरवड़े अभी तक आर्मी के उप प्रमुख थे। आर्मी चीफ बनते ही वे दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल 13 लाख थल सैनिकों के मुखिया बन गए हैं। आर्मी के वाइस चीफ बनने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल नरवड़े ईस्टर्न कमांड के प्रमुख थे। ईस्टर्न कमांड भारत चीन की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा की देखभाल करती है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया वासियों को शहर से जोड़ने के लिए अंडर बाईपास तो बना दिया गया, लेकिन वो इतना नीचे है कि उसमें गंदा पानी भर जाता है। इसका कारण मुख्य आसपास की जमीन ऊंचा होना है। इसकी खबर जब सभापति संदीप शर्मा को लगी तो सभापति संदीप शर्मा और उपसभापति कैलाश पवार ने वहां का दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसका स्थायी समाधान किया जाए। बहरहाल सभापति के दौरे के बाद क्षेत्रवासियों को उम्मीद जागी है कि उनकी मुश्किलें कम होगी। बीच में हमेशा पानी भरा रहता है, जबकि तो बारिश बंद भी काफ़ी टाइम हो गया है। आज हमने उपसभापति जी ने पार्षद महोदय हमारे एक्शन साहब ने हमने आसपास का सारा मौका देखा है। नज़दीक जो ज़मीनें हैं यहाँ काफ़ी पानी स्टोरेज है, हमें लगता है कि वही पानी ज़मीन से रिसाव होकर यहाँ आ रहा है और कुछ यहाँ के जो बड़े नाले बने हैं वो भी काफ़ी चौक हमें नज़र आए। तो अब सबसे पहले हम जो यहाँ आसपास पानी भरा हुआ है उस पानी को हटवाएंगे मटपंप लगवा के, और जो बड़े बड़े नाले जो चौक से इनको सफाई कराएंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये यहाँ पानी आ रहा बंद होता है या। उत्तराखंड के काजीपुर में राज्य हथकरघा उधम सिंह नगर की ओर से डिजाइन सेंटर में बुनकरों द्वारा तैयार सामानों और गर्म कपड़ों से सजी हथकरघा प्रदर्शनी को सैलानी बेहद पसंद कर रहे हैं। पहाड़ों का रुख करने वाले सैलानियों की खासी भीड़ लगी हुई है। इस प्रदर्शनी में खरीदारी को आ रही विकास आयुक्त हथकरघा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लगी इस प्रदर्शनी में दूर दराज से लोग आए हैं। बुनकरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को देखने और खरीदने को लोग इस प्रदर्शनी में आ रहे हैं और बुनकरों द्वारा बनाए गए वस्त्रों को बढ़ चढ़ कर खरीद रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में इन दिनों मृत गौवंश की दुर्दशा हो रही है। भयंकर सर्दी और भुखमरी के कारण अनेकों लावारिस गौवंश मौत का ग्रास बन रहे हैं। हड्डी रोड़ी ठेकेदार भी इन लावारिस गौवंशों को नहीं उठा रहे हैं, जिसके चलते लावारिस मृत गौवंश सड़कों पर ही पड़े रहते हैं और इन मृत गौवंशों को आवारा कुत्ते खाते नजर आते हैं। साथ ही इससे बदबू के साथ गंदगी भी फैलती है, जिससे राहगीरों वाहन चालकों और आमजन को भारी परेशानी हो रही है। ये जो नगर पालिका क्षेत्र है इसमें नगर पालिका ही ठेकेदारों को निविदाएं आमंत्रित करती हैं, वो ठेका छोड़ती हैं ताकि ठेकेदार लावारिस पशुओं को मृत हो जाते हैं उनको उठाए। अब यदि ठेकेदार ऐसा नहीं कर रहे हैं और नगर पालिका ने ठेका नहीं छोड़ा है तो इनको पूरे जिले में पूरे संभाग में
ठेके छोड़ने चाहिए, कहीं का भी ठेकेदार आके ऐसे ठेके ले और मृत पशुओं के शरीरों को उठाए, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था बनी रहे। और अब वर्तमान में कंडीशन ये है कि जो ठेकेदार हैं मृत पशुओं को, वो सामने मृत शरीरों को पशुओं के उठाने के लिए पैसे मांगते हैं। इतनी बुरी दशा है, इसलिए नगर पालिका के क्षेत्र में नगर पालिका बोर्ड ही इस पर कार्यवाही कर सकता है। नगर पालिका द्वारा बार बार टेंडर किए जा रहे हैं, लेकिन अड्डारोड़ी के लिए कोई पर्याप्त जगह न होने के कारण वो ठेकेदार को ले नहीं रहे। पहले व्यवस्था चल रही थी, ठेके ले रहे थे, अब लोकल एक ही आदमी होने के कारण वो मोनोपोली कर रहे, ठेका जानबूझ के ले नहीं रहे। तो सर ये ठेकेदार तो कह रहे हैं कि जो चमड़ा आजकल बिकता नहीं है, इसलिए हमें लॉस हो रहा है, ये घर वाले तो पैसे देते हैं, पैसे लेते हैं, ये आवारा पशुओं को पैसे देता नहीं तो वो सड़कों में पड़े रहते हैं, तो इसका समाधान क्या किया जाएगा? समाधान दोबारा टेंडर और निकाले जा रहे हैं, और जैसे टेंडर हो जाएगा तो इसका समाधान हो जाएगा। जगह की मांग भी की जा रही है कलेक्टर महोदय से। मृत पशुओं की बात करें तो ये नगर पालिका बार बार टेंडर निकाल रही है, इन टेंडरों में ठेकेदारों की कुछ मोनोपोली है और वो ठेकेदार लगातार इसमें आपसी सहमति से कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो ना तो टेंडर पे आते हैं, हमारी मजबूरी है कि ये पशु उठाए कौन, आखिर वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। नियमानुसार देखें तो ये कैटल फ्री जोन होना चाहिए नगर पालिका की, और इतनी गौशालाएँ हैं जो अनुदान मिलता है जिनको सरकार की ओर से, उन गौशालाओं की भी ये कुछ ड्यूटी बनती है, लेकिन वो इस मामले में थोड़ी उदासीनता बरत रहे हैं। और नगरपालिका अपने प्रयास कर रही है, पुनः टेंडर करने के प्रयास जारी हैं, दो तीन बार किए हैं, ठेकेदार आते नहीं, अब दोबारा फिर टेंडर करेंगे और अब की बार कुछ ऐसा करेंगे कि बाहर के ठेकेदारों को भी इन्वाइट करेंगे। सर अब परिस्थितियाँ बदल चुकी है, तो नगरपालिका ठेकेदार से पैसे लेती थी, लेकिन आपको कहते हैं हमारा चमड़ा वगैरह बिकता नहीं है, इस वजह से वो ठेका नहीं ले रही है, वो तो फ्री में भी नहीं उठा रहे हैं। ये तो जब उनको जो चीज़ मुफ्त में मिल रही है उसके पैसे वो क्यों लगाएं? ऐसा कुछ नहीं है कि चमड़े की डिमांड नहीं है, चमड़े की डिमांड तो इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें तो चमड़े की डिमांड तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन दो तीन ठेकेदार हैं, उनकी मोनोपोली की वजह से ऐसी स्थिति आ गई कि पिछले एक डेढ़ साल से हम लोग परेशान हो रहे हैं, और शहर में एक इस तरह का माहौल बना हुआ है कि मृत पशु उठाने के भी पैसे सामने से देने पड़ते हैं, ऐसी हालात बनी हुई है। इस पर जल्दी अंकुश लगाएंगे और बाहर के ठेकेदारों को बुला के कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे। आने वाले नववर्ष में पौड़ी जिले को एनसीसी एकेडमी की सौगात मिलने वाली है, जिसके लिए भूमि का चयन पहले ही किया जा चुका है और अब लोगों को मुआवजा देने की कार्रवाई भी लगभग पूरी हो चुकी है। एनसीसी एकेडमी मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार है, जिसके लिए मुख्यमंत्री घोषणा भी कर चुकी हैं। अब पौड़ी विधायक मुकेश कोहली मुख्यमंत्री की इस घोषणा को धरातल पर स्वरूप देने के लिए वचनबद्ध दिखाई पड़ रहे हैं। एकेडमी को स्वरूप देने के लिए क्षेत्र के विधायक मुकेश कोहली ने भी कमर कस ली है। उन्होंने एकेडमी की ओर जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण की रूपरेखा तैयार कर ली है। डीकरण और डामरीकरण नहीं हुआ तब तक आप समझ सकते हैं कि जो एनसीसी एकेडमी है उसके लिए यहाँ पर जो सामान आएगा, बड़े बड़े ट्रक आएंगे, बड़े बड़े सामान आएंगे, तो स्वाभाविक है कि इतना कंजेस्टेड 6 फुटी ये रोड थी, बल्कि उससे भी कम थी, तो स्वाभाविक है कि जब तक इस रोड का चौड़ीकरण और डामरीकरण नहीं होगा तब तक एनसीसी एकेडमी के लिए भी जो यातायात की सुविधा है वो बाधित हो रही थी। तो अब आपके सामने इसका चौड़ीकरण और डामरीकरण हो रहा है, बहुत जल्द जैसे ही ये हो जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी परसों ही बात हुई है, बहुत जल्द हम लोग वहाँ पर दीवार खालियों एक स्थान है जहाँ पे गण्या गांव का जमीन पड़ती है, वहाँ पर हम लोग इसका शिलान्यास करने वाले हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। दरअसल नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर ने बेकार प्लास्टिक पदार्थों से कार्बन के अपरूप ग्राफीन तैयार करने में सफलता हासिल की है। इस तकनीकी के हस्तांतरण के बाद ये तकनीकी न केवल व्यर्थ प्लास्टिक के कचरे से बहुमूल्य ग्राफीन का उत्पादन कर सकेंगे, साथ ही इस तकनीकी से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और विश्व को प्लास्टिक के कचरे से निजात दिलाएगी। आपको बता दें कि ग्राफीन 21वीं सदी का बहुमूल्य पदार्थ है, जिसका उपयोग ऊर्जा के क्षेत्र, सोलर सेल, फ्यूल सेल, बैटरी, सुपर कंप्यूटर, दवाइयों के क्षेत्र और जल के शुद्धिकरण में किया जा रहा है। प्रोफेसर नंदन साहू ने कहा कि नैनो टेक्नोलॉजी से बनी बुलेट प्रूफ जैकेट वजन में हल्की होने के साथ ही अभेद होती हैं, जो देश की रक्षा में लगे जवानों के लिए कारगर साबित होंगी।
ड्रीम आज ट्रू हो गया। ये हम लोग का जो टेक्नोलॉजी लास्ट 3 इयर्स जो स्टूडेंट्स इतना हार्डवर्क किया था डे नाइट काम करके विथ इन 3 इयर्स में हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया एंड वो ग्राफीन का जो मार्केट वैल्यू है वो तो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली इट इज़ 40,000 से फ्यू लाख्स डिपेंड क्वालिटी। तो ये जो ग्राफीन है ग्राफीन अभी एवरी क्षेत्र में यूज हो रहा है। एक आपका वाटर प्यूरिफिकेशन रोड कंपोजिट सुपर कैपेसिटर बैटरी में हरियाणा सरकार ने जल्द ही TGT और PGT शिक्षकों की भर्ती का फैसला किया है। इसके साथ ही प्रदेश के ऐसे स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है जहां छात्र संख्या 25 से कम रह गई है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि फिलहाल पंचायतों को सक्षम योजना के तहत ऐसे युवाओं की सेवाएं 3 माह के लिए लेने के अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में उन स्कूलों को बंद किया जाएगा जिनमें छात्रों की संख्या 25 से कम है। स्कूल तो बंद ही है क्योंकि हमने अचानक एक निर्णय लिया। अब सर्दी वर्दी तो निर्णय भी अचानक ही लेना था लेकिन कहीं क्योंकि आगे छुट्टी है रही 1 से 15 तक की छुट्टी है तो कुछ बच्चों को काम न्यून दिया था इस प्रकार की कुछ थोड़ी समस्याएं थी इसलिए शायद मेरा ख्याल है शायद उन्होंने किया नहीं तो सारे स्कूल उसको मान रहे। और अगर कुछ एक दो अगर ऐसी कोई घटना है तो इतने बड़े उसमें इस प्रकार की है और हम उसमें भी संज्ञान लेंगे और उस सारे स्कूल भी छुट्टी करेंगे क्योंकि सर्दी काफ़ी है इसलिए हमने उसको कई दिन इंतजार करके हमने उसके बाद ही निर्णय लिया है ताकि किसी बच्चे को सर्दी से कोई उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो। पहाड़ों की रानी मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल के समापन पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल मसूरी पहुंचे जहां मसूरी विधायक गणेश जोशी ने प्रेमचंद अग्रवाल का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विंटर लाइन विश्व में सिर्फ मसूरी और स्विट्जरलैंड दो जगहों से देखी जाती है और यहाँ की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। आगे इसे और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। और लगते हैं जब यहाँ पर विंटर लाइन दिखाई देती है और विश्व में दो ही जगह दिखाई दे सकती है या तो स्विट्जरलैंड में या फिर मसूरी में। मसूरी जो हमारा उत्तराखंड की बहुत खूबसूरत हमारी पर्यटन नगरी है पर्वतों की रानी के रूप में से जाना जाता है और यहाँ पे जिस प्रकार से विंटर लाइन कार्निवाल का एक कार्यक्रम यहाँ आज संपन्नता की ओर है और यहाँ के समिति ने बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर किया। विभिन्न माध्यमों से हमारे जो हमारी पहाड़ की संस्कृति है हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है उसको दीदार कराने का काम किया उसको दिखाने का काम किया और जो हमारे पारंपरिक व्यंजन है उसको आने वाले जितने भी हमारे पर्यटक हैं चाहे देश के होंगे विदेश के होंगे अन्य और भी क्षेत्रों से आए होंगे उनको उसको स्वाद लेने का उन्होंने जो जिस प्रकार से हमारे समिति ने उसका आयोजन किया मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बेहतरीन काम हमारी समिति ने किया। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। सीएम गहलोत को मानसिक अवसाद से ग्रस्त बताते हुए पूनिया ने कहा कि राजस्थान की जनता विकास कार्यों के लिए तरस रही है लेकिन मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नामों की माला जपने और अनर्गल बयानबाजी करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिन भर और बार बार इस प्रकार का
विलाप करने से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी हो गई है। सरकार अपनी असफलता को छिपाने के लिए और जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। ऐसा सब करके वे अपने आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुश करने का काम करते हैं। पूनिया ने कहा कि इन दिनों मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी का एक किस्म का फोबिया हो गया है और उस भय से आक्रांत होकर वे इसका उल्लेख बार बार करते हैं। अत्यधिक पाला फसलों के लिए हानिकारक होता है। इन दिनों कड़ाके की ठंड और लगातार पाला गिरने से काश्तकार फसल सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। इन दिनों गेहूं, सरसों, आलू, गन्ना और प्याज की फसल तैयार हो रही है। आलम यह है कि जिस गोभी की फसल को एक महीने पहले लगाया गया था, पाले के कारण वो आज खराब हो चुकी है। किसानों का कहना है कि इस समय गोभी की फसल को तैयार हो चुकी है और बाजार में इसकी बिक्री हो रही होती तो वहीं खेती कर जीवन यापन कर रहे किसानों का कहना है कि पाले की मार के कारण उनकी कई बीघा फसल खराब हो चुकी है, जिसके बाद से उनके सामने आर्थिक मंदी का संकट मंडराने लगा है। हफ्ते से तो बहुत ज्यादा पाला पड़ रहा है, जिसके कारण हमारी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारी गोभी की फसल है, इस टाइम पे काटने वाली हो जाती थी, वो बिल्कुल उठ नहीं पा रही है। वो दिन पर दिन हम पानी लगा रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही हमारी प्याज की फसल है, हमने पौध लगाई है, वो भी मर गई है, वो बिल्कुल भी बड़ी नहीं हुई। और ऐसे ही हमारे गोभी की फसल है, गोभी भी खराब हो रही है। और आलू की फसल है, आलू पे इतना पाला पड़ गया है कि आलू के पत्ते ऊपर से फूक गए हैं। तो सरकार से कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को कि मुआवजा मिल पाए जो आपका नुकसान हुआ है? बस सरकार से इतनी उम्मीद है कि जितनी हमारी लागत लगी है, कि जितने का हमारा बीज खाद खुद लगी है, कि उसका भरपाई हो जाए। पाला पड़ने से फसल खराब हो रही, अब यही मेरा था, यही से चल जाएगा तो हम क्या करेंगे। हमारे साल इसमें लगे, हम साल क्या मतलब हो गया, 15-16 साल हो गए इसी खेती में लगे हुए हो। अच्छा, जीवन इसी से चल रहा है? इसी से चल रहा है। अभी क्या सरकार से कुछ उम्मीदें हैं कि भाई जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप लोगों को मिल पाए? देखो जी, उम्मीदें हैं, उम्मीद होगी तो देंगे, नहीं उम्मीद तो ना देंगे, हम तो इसमें मंडी रहे हैं। कितनी बीघा फसल आपकी नुकसान हो गया होगा भाई? तो 10 बीघे। जिगजाग इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार ताजातरीन और हर अपडेट खबर के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।